I'm sorry यार, तेरे दो अच्छे दोस्त और co-actors और हम सबके चाहे थे इरफान खान और ऋषि कपूर एक के बाद एक हमें छोड़कर चले गए। हाँ मैं इरफान के साथ तो मैंने इतना काम नहीं किया और ना उससे ज़्यादा मुलाकात हुई, पर जब भी मुलाकात हुई अच्छी फीलिंग हुई। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड हाथ मिलाने से उसकी गर्मजोशी का एहसास होता था। बट चिंटू जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया, बहुत वक्त भी गुजारा है। और पिछले एक साल जब वो अमेरिका में अपना इलाज कर रहे थे तब तो मैं उनके साथ बहुत घुल मिल गया, उनके साथ बहुत वक्त मैंने गुजारा। तो तू इस वक्त क्या महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रहा हूँ मैं? लाइफ का फ्रेजाइल नेचर महसूस कर रहा हूँ। हाउ डेथ कम्प्लीटली मेक्स यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिंदगी कितनी छोटी भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत सारी इमोशंस महसूस कर रहा हूँ, कभी कभी उसके बारे में डिस्क्राइब करना मुश्किल लगता है। डर लग रहा है, डर लगता है। When somebody goes, then you suddenly brings your focus on your own self. लगता है कि मैंने इतने साल जिंदगी गुजार ली, अब कितने साल है मेरे पास। और फिर अपने से छोटे इरफान को या अपने से बड़े भी अगर ऋषि कपूर जी को ढान, डर लगता है, ऑफकोर्स डर लगता है। तू डर मत ना। याद है जब हमारे पापा की डेथ हुई थी 10th फरवरी 2012 को, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि उनकी प्रेयर सेरेमनी को वाले दिन हम क्या करेंगे? हाँ याद है। याद है। हमने डिसाइड किया था कि हम पापा की डेथ को मोर नहीं करेंगे बल्कि उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। और फिर तूने स्टेज पे चढ़ के क्या किया था? यस हाँ, मुझे याद है कि मैंने पापा के सारे फनी किस्से जो थे ऑडियंस को सुनाए थे और लोग हंस रहे थे, बैंड बज रहा था और मैं एक के बाद एक नए किस्से सुना रहा था, और फिर ऑडियंस में बैठी हमारी माँ वो भी हंस रही थी। यस सो टुडे ऑफकोर्स जो उनके जाने का दुख है वो तो है ही है, लेकिन व्हाई डोंट वी जस्ट सेलिब्रेट देयर लाइफ। यस आई एग्री। या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर इरफान खान वाज, मींस उनकी परफॉर्मेंसेस देख के बहुत इंस्पायर होता था। Yes, I remember when I saw his Bansing Tomar. Oh my God, I just called him fantastic. up. And मैंने कहा धन्य है यार आप ने क्या काम किया। कभी कभी लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो उसके सामने इंसान झुकता है और उसकी महानता का एहसास होता है। ऋषि कपूर, मैं जब उनके साथ वक्त गुजारा था न्यूयॉर्क में तो मैं सोचता था वाह क्या जिंदादर आदमी है, क्या पैशन के साथ बात करते हैं हर चीज के बारे में, हर टॉपिक पर। डरते बिल्कुल नहीं थे किसी से। एंड देन लेटली व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज स्टार्टेड गिविंग। सो टुडे वी विल मिस बोथ, बट लेट्स जस्ट डिसाइड टू सेलिब्रेट देयर लाइफ। यू आर राइट, लेट्स सेलिब्रेट देयर लाइफ एंड रिमाइंड पीपल दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैव दे मेड इन आवर लाइफ, एंड लेट्स डू अ स्मॉल मोमेंट ऑफ mon for them.